नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के मनमाने और भेदभाव वाले रुख को लेकर भारत ने जैसे को तैसे की तर्ज पर सख्त कदम उठाए हैं। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन से आने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इनमें 10 दिन का जरूरी क्वारंटीन भी है। ब्रिटेन की वैक्सीन को लेकर नस्ले नीति पर भारत ने आखिर दे दिया है करारा जवाब। जैसे को तैसा की नीति अपनाते हुए भारत ने भी ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। सख्त कार्रवाई से पहले भारत ने ब्रिटेन को कई बार उसकी भेदभाव वाली नीति को लेकर आगाह भी किया, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। आखिरकार शुक्रवार को भारत ने भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को लेकर सख्त नियम कायदों का ऐलान कर दिया। ये सख्तियां 4 अक्टूबर से लागू होंगी। इनके मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने के बाद भी भारत आने पर ब्रिटिश नागरिकों को यूके से रवाना होने से 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। भारत पहुंचने पर एक बार फिर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच होगी। भारत आने के 8वें दिन एक बार फिर कोविड की आरटीपीसीआर जांच करानी होगी। कुल 10 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। भारत ये सख्ती करने पर मजबूर हो गया। पूरा विवाद कोविशील्ड को लेकर ब्रिटेन की भेदभाव वाली नीति पर था। लंबी बातचीत के बाद ब्रिटेन ने कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। भारत ने भी यही नियम भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर लगाए हैं। Because AstraZeneca vaccine and Covishield are one and the same. India is supplying this vaccine to several other countries and there was no justification for UK to take this kind of action. So government of India, in spite of giving action, if UK did not respond, they had to take this reciprocal action and that's how it has happened. हालांकि कुछ विशेषज्ञ ब्रिटेन की नीति और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई को ठीक नहीं मानते। उनकी नजर में कोविड को फैलने से रोकना मकसद है तो इसका तरीका अलग होना चाहिए था। These measures are unscientific when the UK does them and unscientific when India does them. Instead, we should look at an innovative approach that allows individuals to travel to India and keeps our country safe. We should ask for pre-departure testing irrespective of vaccination status. We should conduct a test at the airport and make sure that the sample is collected appropriately. We should look at a test on day 2 and day 5 if it's by PCR, because most individuals, especially with the Delta variant, will test positive within that period. भारत की सख्ती के बाद अब कम से कम ब्रिटेन अपनी भेदभाव वाली नीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर होगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।